जी वालेकुम आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड फाइव फ़ाइव का लेसन ट्वेंटी फाइव पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इंट्रैक्शन हाइपोथेसिस प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी एंड चॉवल एंड हॉकन्स मॉडल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश फ़ाइव जीरो फ़ाइव जितनी भी है ये सारी डिफरेंट थीरीज़ हैं डिफरेंट अप्रोचेज़ के बारे में है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में लर्निंग के बारे में कौन से फैक्टर हैं किसकी क्या रिसर्च वर्क रही किसने क्या इसके बारे में कॉमेंट्स किए तो ये सारी चीज़ें यही हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है बिकॉज़ सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही होती हैं आपस में तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन लॉन्ग इंट्रैक्शन हाइपाथिस रेफर्स टू द पार्टिसपेशन इन कन्वर्जेशन विद नेटिव स्पीकर द प्रोसेस में इंक्लूड मॉडिफिकेशन ऑफ इंट्रेक्शन एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजेशन अब जो इंट्रैक्शन हाइपाथिस है इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं उनकी इंट्रैक्शन हो नेटिव स्पीकर के साथ फिर जो उनकी इंट्रेक्शन हो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए ठीक है तो फिर वो जो मॉडिफाइड किस्म की आपकी इंट्रैक्शन होगी वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी लॉन्ग डिफाइंड इनपुट रेफर टू द लिंग्विस्टिक्स फॉर्म यूज वेयर एज इंट्रैक्शन मीन्स द फंक्शन सर्व बाय दो फॉर्म्स सच एज एक्सपेंशन रेपिटिशन एंड क्लैरिफिकेशन अब इनपुट कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स जो मतलब यूज होती हैं पहले लिंग्विस्टिक फॉर्म्स के बारे में कि जी ये ये चीज़ें आपने पढ़ानी हैं जो भी मतलब आपके सामने एक चीज़ रखी गई लेकिन इंट्रैक्शन में क्या है कि उनको एज ए वो जो फॉर्म्स हैं अब उनसे हमने काम लिया उनको एज ए फंक्शन हमने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया ठीक है तो आगे कहते हैं जनाब एलिस एक्सप्लेन द स्टेट्स इंट्रेक्शन हाइप प्रोपोगेट्स एज़ फॉलोज कम्प्रिहेंसिबल इनपुट पहले तो चाहिए और नंबर टू क्या है मॉडिफिकेशन टू द इंट्रैक्शनल स्ट्रक्चर हम नेटिव स्पीकर जिस तरह से बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो समझ ही नहीं आएंगी तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो फिर वो इंट्रैक्शन जो है उसको आपके लिए एक इंपॉर्टेंट uh, फैक्टर बनाने की कोशिश की जाए लॉन्ग इन इंट्रैक्शन आई पोथ एनाल बाई अ नंबर ऑफ रिसर्चर्स द लीडिंग एमंग दैम वर्ल्ड पाइका एंड एलस पाइका एम्पेरिकली इन्वेस्टिगेटेड हाईप ऑफिस एंड एलस समराइज इथ एस ठीक है जी ये लीडिंग इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है तो ये एम सी की उसमें भी आ सकता है तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा तो अब जो एलस है उसने इसके ऊपर समराइज समरी एक दी कम्पह कम्प्रिहसीबल इनपुट इज़ नेसेसरी फॉर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब उसने जो इंट्रेक्शन हाईपॉथिस था उसके ऊपर वर्कआउट किया रिसर्च किया तो उसने फिर जो समरी निकाली कि एक कंप्रीहसीबल इनपुट जरूरी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए मॉडिफ़िकेशन टू द इंट्रैक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन हेल्प्स टू मेक इनपुट टू टूअर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो इंट्रेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ी सी जिस तरह जो मॉडिफिकेशन उस इंट्रैक्शनल स्ट्रक्चर में दिए जाएगा उससे क्या होगा कि वो आपकी कन्वर्सेशन वो जो होगी वो आपको समझने में हेल्प आउट करेगी टास्क एंड सिचुएशन वेयर देर इज़ अ नीड फॉर द पार्टिसिपेशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और जहाँ पे आपको इंफॉमेसन एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेंट्स को एक्सचेंज करनी है वहाँ पे टास्क और एक सिचुएशन क्रिएट की जाए द लिमिटेशन ऑफ इंटरेक्शनल हाइपाथिस आइडेंटिफाइड बाई द एलस अब कुछ लिमिटेशन भी इसमें से निकाली थी इंट्रैक्शनल फैसिलिटेट कम्प्रीहेंशन ठीक है जी इंट्रैक्शन क्या है कम्प्रीहेंशन को फैसिलिटेट करती है मैं लर्नर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू सिग्नल देयर नॉन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू आस्क फॉर क्लेरीफिकेशन ठीक है मतलब वो कहते हैं कि ये जो इंट्रैक्शन है ये सिर्फ कंपरीहेंशन के ऊपर करती है तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो वो फिर क्लैरिफिकेशन के लिए Uh, एक सिग्नल भी कुछ ऐसा कुछ जनरेट करें चीज़ों को दोबारा से जो चीज़ों ने समझ नहीं आ रही इसके बारे में देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस विद रिगार्ड टू अमाउंट ऑफ देयर पार्टिसिपेशन अब हर बंदे की अपनी अपनी एक कोगिनेटिव कैपेबिलिटीज होती हैं चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए तो वो भी इसमें एक लिमिट आ जाएगी कि सब एक तरह से तो नहीं चल सकते कंप्रिहेंशन comprehension does नॉट depend ऑन negotiations लर्नर्स में बेनिफिट from द डायलॉजिक interaction by अदर लर्नर्स तो कहते हैं जी ज़रूरी नहीं है कि ये कम जो जो कंप्रीहेंशन है ये नगोशियस से ही आएगी मतलब आप एक दूसरे के साथ मुदाकर करें तो ये कोई दूसरे लोग जो आपस में लर्नर्स हैं आपस में भी उनकी इंट्रेक्शन से आ सकती है मॉडिफाइड इनपुट फैसिलिटर्स एकजिशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग जब आप इनपुट जो आपको मिल रही है आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे बच्चों को स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए तो उनको वर्ड मीनिंग की भी समझ आ जाएगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एक्विजिशन ऑफ वर्ड मीनिंग इज रेंज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट तो अब आप एक ही वर्ड को एक ही कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे तो उसके साथ उस वर्ड मीनिंग को इतना क्लियर नहीं होगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्स्ट में जाकर उनको ये बात बताएंगे कि यहाँ पर इसका ये मतलब बनना है इस सिचुएशन में इसको ऐसे परसीव करना है इस इस सिचुएशन में इसको ऐसे परसीव करना है तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा फैसिलिटेट होगा फॉर स्टूडेंट्स के लिए अब आगे है जनाब प्रोसेसिबिलिटी फेरी This processability theory was proposed by Manfred Peinemann and it referred to the grammatical development of learners interlanguage. The theory has been explained as cognitively founded, hence applicable to any language, formal and explicit, hence empirical, testable, and extended. having not only formulated and tested hypotheses about morphology, syntax, and discourse pragmatics, but having also paved the way for further development at the इंटरफेस बिटवीन ग्रामर एंड लैगिकॉन एंड अदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन अब प्रोसेबिल प्रोसेसिबिलिटी थीरी के बारे में ये कहा गया है कि जिस वक्त जो ये है क्या है कि ये ग्रामेटिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स इंटर लैंग्वेज एक लैंग्वेज उन्होंने सीखी है अब दूसरी सीख रहे हैं तो इसके साथ अब वो क्या करेंगे ग्रामेटिकल डेवलपमेंट उनके अंदर आएगी जो वो जिसको वो प्रोसेस करेंगे अब ये जो इन जो उनके अंदर ये एक ग्रामेटिकल डेवलपमेंट आएगी ये किस किस में होगी ये प्रगमेटिक्स में हो सकती है मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है सिंथेटिक हो सकती है ठीक है तो ये सारी उनके अंदर एक डेवलपमेंट आएगी जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ग्रामर और जो अल्फाज होंगे उनका आपस में जो इंटरफेस है उनके आपस में लिंक्स को समझेंगे तो ये उसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे वो द कोर करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ प्रोसबिलिटी प्रोसेसिबिलिटी थीरी इज़ दैट इन द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक लर्नर कैन प्रोड्यूस एंड कंप्रीहड दो सेकंड लैंग्वेज फॉर्म्स विच देयर फर्स्ट लैंग्वेज प्रोसेस कैन मैनेज अब जिस वक्त सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो उन चीज़ों को या उन अपने जो फॉर्म्स हैं उनको प्रोसेस करना और उनको समझना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा जो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज के जरिए से प्रोसेस हो सकते हैं ठीक है उसके सिंपल सी एग्जाम्पल्स नाउन की अगर हम लेते हैं तो हम फिर उर्दू में हम बताते हैं कि उर्दू में इसम कहते हैं किसी चीज़ के नाम को कहते हैं तो फिर हमें नाउन बड़ी जल्दी से याद हो जाता है ठीक है इट रेफर टू टू फॉर्मल मॉडल्स डिस्क्राइबिंग एंड इंटरफेसिंग लैंग्वेज जनरेशन एंड एंड लैंग्वेज नॉलेज अब लैंग्वेज जनरेशन और लैंग्वेज नॉलेज के बारे में बात करना पहले मन कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेसिबिलिटी थी अब उसने कुछ फैक्टर्स निकाले सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सल स्टेज अब सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं जी जिस तरह से एक यूनिवर्सल स्टेजेस है ना जिस तरह से एक छोटा बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है तो जब सेकेंड लैंग्वेज कोई बंदा एक्वायर कर रहा होता है तो वो भी उन्हीं स्टेजेस से गुजरता है वेरिएबिलिटी ऑफ इंटर लैंग्वेज इज लिमिटेड एंड रेगुलर ठीक है तो ये थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आ सकती है ठीक है लेकिन लिमिटेड है और रेगुलर है मतलब आनी है ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट लैंग्वेज इज लिमिटेड बाय द एबिलिटी टू प्रोसेस अ सर्टन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस इन टास्क आर लिमिटेड बाय द लैंग्वेज प्रोसेसिंग हाइरआरकी ठीक है डिफरेंट टास्क जो हैं वो उनको लिमिटेड किया जाता है कैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग हायरकी के साथ ठीक है जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक जो स्ट्रक्चर चलता है ना उसके साथ मुख्तिक टास्क को लिमिटेड करके बताया जाता है एक्वजिशन ऑफ बहुत द फर्स्ट एंड द सेकेंड लैंग्वेज इज लिमिटेड बाई द लैंग्वेज प्रोसेसिंग हायरकी अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोई किस तरह से होती है जब आप लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं तो शुरू में आप जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को किस तरह से एक्वायर करता है फिर एक एक वर्ड का मीनिंग समझ आता है फिर वो दो दो अल्फाज बोलता है इस तरह से ये जो एक प्रोसेसिंग की एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर है पूरा तो जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की एक्विजिशन है ये उसी में से गुजरती है बाई लैंग्वेज डेवलपमेंट कैन बी यूनिवर्सली कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज यूजिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेर और इन पी ठीक है जी वो कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी ये है बाइलिंगुअल डेवलपमेंट है कैन भी यूनिवर्सली कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेज मतलब आपने अगर दूसरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज आपने सीखी अब आपने दूसरी लैंग्वेज आपने, आपने बाइलिंगुअल बनना है तो उसके लिए भी उसको जब आप कंपेयर करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ तो वो उसी लैंग्वेज प्रोसेसिंग हायरार्की से गुजरेगी ठीक है जी आगे है ट्रॉवेल एंड हाकन्स मॉडल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन ट्रावल एंड हॉकन्स द फर्स्ट वनस टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेक्लोरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज ठीक है जी अब डेक्ोरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में आपको क्या फर्दर वो बताते हैं या नहीं देखते हैं दे बिलीव दैट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एक्विजीशन हैज़ टू डील बोथ विद द लर्नर्स टू लर्न द सिस्टम एंड द टू लर्न द यूज ऑफ सिस्टम ठीक है जी वो कहते हैं जी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च ने मतलब देखा कि जो लर्नर्स की कोशिश होती है वो क्या होती है कि वो सिस्टम को लर्न करें और फिर लर्नर्स लर्नर्स टू लर्न टू यूज़ ऑफ द सिस्टम पहले तो वो लैंग्वेज के जो लैंग्वेज सिस्टम है उसको सीखे फिर वो जो लैंग्वेज का जो सिस्टम उसने सीखे उसको, उसको यूज़ करना कैसे है वो सीखे द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द नॉलेज सोर्सेज वॉज द टर्म used by Twilley and Hawkins which according to them is the result of learner's exposure to the second language acquisition after seven years of age ठीक है जी वो कहते हैं जी multiplicity of knowledge जो sources हैं ये term उन्होंने use की और ये use कब की कि जिस वक्त जो learner है उसको exposure मिलता है वो second language acquisition को किस उसके सामने आती है आफ्टर सेवन इयर्स ऑफ एज ठीक है जी तो ऑफर एंड ऑकन प्रपोज फाइव मेन एड्रेसिंग इंग्लिश एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज अब उन्होंने पांच मेन क्वेश्चन निकाले सबसे पहले ट्रांसफर का निकाला ट्रांसफर ऑफ ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज फ्राम फर्स्ट लैंग्वेज मेंटल ग्रामर इंटू द मेंटल ग्रामर दैट लर्न कंस्ट्रक्ट फॉर सेकेंड लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज की जो ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेंटल ग्रामर है वो सेकेंड लैंग्वेज में ग्रामेटिकल जो है कैटेगरी हैं उनमें ट्रांसफ़र फर्स्ट लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज में ट्रांसफर एक उन्होंने ये सवाल निकाला कि कैसे होते होंगे ठीक है क्या चीज़ है आगे जी स्टेज डेवलपमेंट सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशनल स्टेजेस टूवर्ड्स अ टारगेट लैंग्वेज फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेज डेवलपमेंट जो कहा गया कि ये यूनिवर्सली स्टेजेस से गुजरते हैं ठीक है सेकेंड लैंग्वेज लर्नर डिफरेंट सीरीज ऑफ़ स्टेजेस से गुजरते हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज तक पहुँचने के लिए सिस्टमेटिसिटी के बारे में कि इज द ग्रोथ ऑफ सेकेंड लैंग्वेज नॉलेज अक्रॉस लर्नर्स ठीक है second language ये सेकेंड लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो लर्नर्स में बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है वेरीबिलिटी इन लर्नर्स इंस्टीट्यूशन अबाउट एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज एज वेरियस स्टेजेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक है जाके वो कहता है कि जो लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं उनकी जो प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज है वेरियस स्टेजेस के ऊपर वो डिफरेंट होती है ठीक है जी डेवलपमेंट के हिसाब से इनकम्प्लीटनेस मोर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स डू नॉट अचीव नेटिव लाइफ कॉम्पिटेंस दिस फिना इज़ रेफर्ड एज फॉसिलाइजेशन बाय सेलिंकर एंड एज इनकम्प्लीटनेस बाय स्कैक्टर अब ये एक ही फिनिना है उसको दो लोगों ने कहा है कि मतलब जब आप नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस आप में नहीं आती तो इसको एक बंदे ने सलिंग लिंकन उसको फॉसिलाइजेशन कह दिया और एज़ कम और इनकम्प्लीटनेस उसने उसको स्क्रैक्टर ने उसको ये कह दिया ठीक है जी दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन आई ऑक्सो कि आपको समझ आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग